मेरा नाम डॉक्टर निखिल प्रभु है और मैं मुंबई में हॉट डायबिटीज केयर यहाँ पे एज अ डायबिटोलॉजिस्ट करके प्रैक्टिस करता हूँ। इस वीडियो में आज के मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में क्या अंतर है और क्या फर्क है और कैसे पता चले। ये जानने से पहले अभी मेन अगर आप आपके आजू बाजू में देखोगे जो भी डायबिटीज के मरीज है वो ज्यादातर टाइप 2 वाले पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि 100 में से करीब 95% डायबिटीज टाइप 2 वाले, मधुमेह टाइप 2 वाले पेशेंट्स रहते हैं और केवल 5% टाइप 1 वाले पेशेंट्स रहते हैं। तो मोस्ट कॉमन टाइप 2 वाला डायबिटीज रहता है। अभी ये दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, कैसा पता चलेगा कि टाइप 1 है या टाइप 2 है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है, मतलब आपको समझ लीजिए कुछ चीजें फाइंडिंग्स आती है कि जिससे आप पता कर पाते हो कि टाइप 1 है या टाइप 2 है। उसके अलावा कुछ टेस्ट भी आते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन से टेस्ट से पता चलता है कि टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज है। अभी सबसे पहला चीज मैं कॉमन वाली चीजें बता रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि टाइप 1 होता है या टाइप 2 वाला है। अभी टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली 20 साल के अंदर, मतलब जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग पेशेंट्स में पाया जाता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है वो नॉर्मली 20 साल के ऊपर बड़ों में पाया जाता है। नॉर्मली टाइप 1 वाले पेशेंट्स जो रहते हैं वो दुबले रहते हैं। नॉर्मली टाइप 2 वाले जो पेशेंट्स रहते हैं वो ओबेज रहते हैं और मोटापा उनमें ज्यादा रहता है, वजन ज्यादा रहता है। टाइप 1 डायबिटीज नॉर्मली सडन ऑनसेट रहता है, मतलब अचानक से पता चल जाता है, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ जाती है। टाइप 2 वाला जो है डायबिटीज वो ग्रेजुअल इंक्रीजिंग है, मतलब समझ लीजिए आने में काफी साल लगे हुए हैं, ऐसा समझ लीजिए कि 5-10 साल से चीजें बढ़नी चालू हुई है और एक फाइंड डे 5-10 साल के बाद डायबिटीज डिटेक्ट हुआ है और शुगर बढ़ी है। अभी टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली जो पेशेंट्स रहते हैं उनको हमेशा लाइफ लॉन्ग इंसुलिन ट्रीटमेंट देना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज वालों में पेशेंट में अगर वो वजन कम करे या खाने में परहेज करे तो उससे काफी हद तक चीजें कंट्रोल में भी आ जाती है और गोलियों से लगा मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में गोलियों से काम हो जाता है। तो उनको इंसुलिन की आवश्यकता पहले कुछ सालों में तो बिल्कुल नहीं पड़ती, अगर अच्छा कंट्रोल रखा जाए तो काफी साल तक वो विदाउट इंसुलिन के इंजेक्शन भी शुगर मेंटेन कर सकते हैं। जब भी लॉन्ग टर्म डायबिटीज रहेगा, जब भी 15-20 साल के ऊपर का डायबिटीज रहेगा तो अंदर की पैनक्रियास की मात्रा जो इंसुलिन बनाने वाली वो कम हो जाती है, तो तभी इंसुलिन इंजेक्शन देना पड़ता है। अभी टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट्स में इंसुलिन की मात्रा अंदर पैनक्रियाज में बनने की जीरो हो जाती है, मतलब अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बनता। टाइप 2 वाले डायबिटीज वाले पेशेंट्स में कुछ इंसुलिन बनता है, मात्रा भले थोड़ी कम हो जाए पर कुछ इंसुलिन बनता है और बेसिकली मोटापा के कारण उसका काम करना या विसरल फैट के एब्डोमिनल ओबेसिटी के कारण वो इंसुलिन का काम करना कम हो जाता है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं बेसिकली। तो वेट लॉस होने से वो रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो शुगर अच्छी होती है काफी हद तक। अभी इन दोनों में ये टाइप 1 और टाइप 2 में डिस्टिंग्विश कैसे करें टेस्ट के जरिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली दो टेस्ट रहते हैं कि जो बताते हैं कि टाइप 1 है या टाइप 2 डायबिटीज है, उसमें अंतर कैसे करते उसके लिए जानते हैं। अभी पहले तो नॉर्मली एक आम आदमी में जब भी पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है तो उसके साथ में इंसुलिन के जो चेन रहती है वो सी पेप्टाइड नामक एक पदार्थ से जॉइंट रहती है। तो जब भी पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है तो उसके साथ वो सी पेप्टाइड वाला चीज निकलता है, तो सी पेप्टाइड की मात्रा गिरने से अपने को पता चल जाता है कि अंदर का पैंक्रिया कितना काम कर रहा है। अभी आप सोचोगे सी पेप्टाइड क्यों गिनना है, डायरेक्ट इंसुलिन ही गिन लेते हैं कि अंदर से कितना बन रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि इंसुलिन का हाफ लाइफ बहुत कम है, 1.5 से 2 मिनट का रहता है, मतलब पैंक्रियास में से निकला तो 1.5 से 2 मिनट में इंसुलिन खून में खत्म हो जाता है, इसलिए उसको गिनना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। इसलिए सी पेप्टाइड जो है उसका मात्रा से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कितना इंसुलिन बन रहा है। तो अगर टाइप 1 वाला जो पेशेंट्स है उनमें एकदम जीरो के करीब हो जाएगी मात्रा, इंसुलिन बनना एकदम जीरो हो जाएगा। टाइप 2 वाले जो डायबिटीज है उनमें थोड़ा मात्रा कम रहेगा पर जीरो नहीं होगा। तो ये टेस्ट से पता चल जाता है, सी पेप्टाइड टेस्ट से, फास्टिंग सी पेप्टाइड आप करोगे तो उसमें आइडिया आ जाता है कि टाइप 1 वाला डायबिटीज है या टाइप 2 वाला डायबिटीज है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज में ऑटो एंटीबॉडीज बहुत कॉमन रहती है, मतलब समझ लीजिए ये ऑटो इम्यून डिसीज जैसा है, तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बहुत कॉमनली रहती है, तो उसमें
165 एंटीबॉडीज, ये एक टेस्ट है कि जिससे पता चल जाता है अगर वो पॉजिटिव आता है तो ये टाइप 1 वाला डायबिटीज है। तो अभी आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि टाइप 1 और टाइप 2 वाले डायबिटीज में कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपके फैमिली दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाइएगा।